बहुत सुपर, सबसे सुपर अगर ऑर्गन की बात करेंगे तो लिवर ही तो है, जिसका हम बिल्कुल ख्याल नहीं रखते। ठीक है, इसको अभी तो हम फास्टिंग क्यों करते हैं? फास्टिंग का मतलब है इस लिवर को हेल्दी रखने के लिए फास्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, एक दिन कुछ भी मत खाओ, ओनली लिक्विड पर मेंटेन रहो और ऑयली चीजें बिल्कुल मत लो, क्योंकि लिवर का बस परेशानी क्या है, आप ज्यादा ऑयल खाओगे ज्यादा बाइल बनाना पड़ेगा, ज्यादा लोड आएगा। एक दिन विदाउट ऑयल ओनली लिक्विड चीजों पर डिपेंड रहो, आपका लिवर हेल्दी रहेगा और ये हेल्दी रहेगा तो आप लॉन्ग लाइफ यंग रहोगे, यानी हेल्दी रहोगे। ये एक्चुअल में रियलिटी है। फास्ट जो लोग रहते हैं, और हर क्या है, कोई भी रिलीजन कंडीशन, कोई रिलीजन हो, धर्म हो, हर रिलीजन में किसी न किसी फॉर्म में फास्ट रहे जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन एक ही था, समझना मेरी बात। उसको लोगों ने अलग अलग डिवाइड कर दिया, पर इंसान को प्रॉपर तरीके से काम करने के लिए उसमें कुछ नियम बनाए गए, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबके सिस्टम लगभग यहाँ सब एक ही है। ठीक है, सबके सिस्टम एक ही है, सबके गॉड एक ही है। भाई गॉड क्या है? द सुपर एनर्जी। ठीक है, वो एनर्जी भाई किसी एनर्जी तो है, एक सुपर एनर्जी है जो पूरे ब्रह्मांड को रन कर रही है। ठीक है, उसको आप गॉड बोल सकते हो। ठीक है, नेचुरल पावर। तो अब हमें बस करना क्या है, हमारे उस एनर्जी का छोटा सा पार्ट हमारी बॉडी के अंदर है, जिसको आप कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, आत्मा, सोल, जो भी एक्सपाई जाए। ठीक है, बस तभी तो क्या, जब भी आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जाते हो, एक पॉजिटिव फील करते हो। आखिर क्यों ऐसा? ठीक है, ये पूरी साइंस है, कभी फुर्सत में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, क्योंकि साइंस से भी मैं जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, कहीं ना कहीं उन लोगों से भी जुड़ा हुआ हूँ जिससे बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। ठीक है, पिरामिड, मिस्र के पिरामिड, दुनिया में कंसेप्ट सबको पता है, क्यों बनाए गए थे मिस्र के पिरामिड? मिस्र के पिरामिड इसलिए बनाए गए थे क्योंकि वो क्या करते थे, कॉस्मिक एनर्जी को एब्जॉर्व करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। कौन सी एनर्जी? कॉस्मिक एनर्जी। भाई कॉस्मिक एनर्जी कौन सी एनर्जी है? ब्रह्मांड की वो एनर्जी जो, जिसको जीवन कहते हैं ना, जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। उस एनर्जी को अगर मैक्सिमम एब्जॉर्व करना है तो शेप चाहिए पिरामिड। ठीक है, तभी तो मिस्र में साइंस उस समय बहुत एडवांस थी, उन पिरामिड के अंदर ममीज को रखा जाता था। उनका मानना था कि ये कॉस्मिक एनर्जी इन बॉडीज को मेंटेन करके रखेगी। ठीक है, यानी फ्यूचर में टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो इन बॉडी दोबारा, इनके अंदर क्या हो सकता है, इस कॉस्मिक एनर्जी से जान आ सकती है। जब हम पिरामिड में रखेंगे तो कंटिन्यू कॉस्मिक एनर्जी मिलेगी, तो ये फिर से जी उठेंगे। इसका बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट कर रहे हैं कि अभी घर में भी आप पिरामिड बड़ा सा बनवाओ, उसके अंदर फ्रूट्स रखो और कुछ फ्रूट सेम बाहर रखो, पिरामिड के अंदर फ्रूट्स कंपैरेटिव बाहर फ्रेश मिलेंगे आपको, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी उनको फ्रेश रखती है। इस कंसेप्ट को बहुत पहले ही, ठीक है, मन भाई इन हमने जो जितने भी धर्म स्थल थे वहां अप्लाई किया था, वो बहुत टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस थी। ठीक है, तो भाई जितने भी मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, सब पिरामिड शेप की गुम्बद बनाए जाते हैं। जिस मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में गुम्बदाकार शेप नहीं होगी ऊपर, तो उसकी वैल्यू नहीं होती। ठीक है, सीधा कंसेप्ट है। तो वहां भगवान नहीं है, ठीक है, वहां एक कह सकते हैं, वहां जाने से कुछ नहीं होता, वहां बैठने से होता है। जब आप जाओगे वहां, थोड़ा ध्यान करोगे, ठीक है, अपने गॉड के, जो भी किसी भी सब जा करके, तो एक्चुअल में आपकी बॉडी के अंदर, भाई गॉड तो आपकी बॉडी के अंदर है, ठीक है, यानी स्मॉल सोर्स ऑफ कॉस्मिक एनर्जी बॉडी के अंदर है। जब आप वहां बैठोगे तो ऊपर से जो पिरामिड शेप से कॉस्मिक एनर्जी अंदर आ रही है, तो वहां पर कॉस्मिक एनर्जी का सोर्स बड़ा हुआ होगा, जो आपकी भाई क्या ना, एक छोटी बैटरी बड़ी बैटरी को कनेक्टर है, आप समझ रहे हो, कनेक्ट करके आप चार्ज हो जाते हो, पॉजिटिव हो जाते हो और अच्छा फील करते हो। ठीक है, तभी तो आप मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च जाते हो, ठीक है, गुड फील करने के लिए। जब अच्छा फील करते हो तो आपको लगता है प्रभु ने कहीं ना कहीं उनसे इंटरेक्शन किया तो अच्छा फील हुआ, इसलिए आप जाते हो। एक्चुअल में सारी साइंस है, कॉस्मिक एनर्जी कनेक्शन। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा गॉड नहीं होते, गॉड होते हैं बेटा। ठीक है, गॉड का मतलब सुपर सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि वो है तभी हम हैं। ठीक है, क्योंकि हम हैं मतलब उनका एक सोर्स हमारे अंदर है, मींस हम, हमारे अंदर गॉड ऑलरेडी है। ठीक है, तभी तो कहते हैं इंसान को इंसान से प्यार करना चाहिए, एक दूसरे से नफरत नहीं करनी चाहिए। ये बहुत, ये समझोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नहीं समझोगे तो बात अलग है। तो समझ में आया, इसीलिए मैं बोलता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट अगर हमारी बॉडी का कोई ऑर्गन है तो वो लिवर है, ध्यान रखना।